हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं इस नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद आखिर क्या क्या प्रिकॉशंस होती हैं, क्या क्या हमें सावधानियाँ रखनी होती हैं। ये बहुत ही कॉमन सवाल है जो हर सर्जरी के बाद हर मरीज मुझसे पूछता है और हम सबको एक ही जवाब देते हैं कि जनरली लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद किसी तरीके की कोई प्रिकॉशन नहीं है। लेकिन ये फिर भी विश्वास नहीं होता कि ऐसी भी कोई सर्जरी होती है इसके बाद कोई परहेज ही नहीं है या कोई प्रिकॉशन ही नहीं रखनी है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद एज सच किसी प्रकार की कोई भी परहेज़ की ज़रूरत नहीं होती है। बट फिर भी डिटेल्ड तौर पर अगर बताया जाए तो पेशेंट्स के जो कॉमन सवाल होते हैं वो पूछते हैं कि क्या हम खाना खा सकते हैं, रोटी सब्ज़ी खा सकते हैं। हाँ, आप हम सबको यही बताते हैं कि आपको जो नॉर्मल रूटीन डाइट जो आप सर्जरी से पहले खा रहे थे वो ही आपको बाद में भी खानी है, आपको अपने डाइट का ऑल्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बट डाइट के अंदर आप एड ऑन चीज़ें ले सकते हैं कि जैसे आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, दूध आप ऐड कर सकते हैं दिन में, या दही ऐड कर सकते हैं। साथ में ही आप कुछ और एनर्जी वाली चीज़ अगर आपको लगता है कि जूस है, सूप है, फ्रूट्स है, तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। क्योंकि जब भी किसी भी इंसान की सर्जरी होती है तो थोड़ी वीकनेस ज़रूर आती है सर्जरी के बाद, तो उस वीकनेस को कोप अप करने के लिए, उस वीकनेस से उभरने के लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा कैलोरीज, एक्स्ट्रा डाइट की ज़रूरत होती है बॉडी के अंदर। इसलिए जो नॉर्मल डाइट जो आप ले रहे हैं उसको बिना डिस्टर्ब किए उसके साथ में एड ऑन में आपको और चीज़ें लेनी होती हैं। दूसरा जो कॉमन सवाल होता है कि सर्जरी के बाद क्या हम नहा सकते हैं, कि हाँ आप बिल्कुल नहा सकते हैं। क्योंकि जब भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है और जब डिस्चार्ज होता है मरीज हॉस्पिटल से, तो उनको इस प्रकार की वाटरप्रूफ ड्रेसिंग लगाई जाती है। ये वाटरप्रूफ ड्रेसिंग होती है यानी कि वाटरप्रूफ, यानी कि इसमें पानी नहीं जाएगा। तो आप जब भी पूरा बॉडी शावर लेंगे तो ये ड्रेसिंग गीली ज़रूर होगी लेकिन पानी टांकों तक नहीं पहुँचेगा और ये अपने आप सूख जाएंगी तो ये नॉर्मल हो जाएंगी। तो इसलिए आप बिना डरे, बिना किसी टेंशन के आप पूरा बॉडी शावर ले सकती हैं आराम से और बिना कुछ भी पॉलीथीन बांधे। क्योंकि कई बार पेशेंट को लगता है कि नहीं डॉक्टर ने तो बोल दिया बट पता नहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, तो वो फिर पॉलीथीन बांधते हैं या टांकों का वो हिस्सा बचा के नहाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बाई चांस कोई ड्रेसिंग उतर भी जाती है तो आप स्पेयर में 2-3 ड्रेसिंग यहाँ से लेके जा सकते हैं और आप उनको दोबारा जैसे बैंडेड चिपकाते हैं वैसे ही इनको चिपकाना होता है। तो यू कैन डू इट एट योर होम ओनली। तीसरा कॉमन सवाल होता है कि क्या हमें दलिया खिचड़ी खाना चाहिए। तो हम सबको स्पेसिफिकली बोल के भेजते हैं कि प्लीज़ आप दलिया ना खाइए, क्योंकि सर्जरी के बाद जैसे आप दलिया खाना शुरू करते हैं तो दलिया में एज सच कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है और वो कॉन्स्टिपेशन और कब्जी करता है, गैस बनाता है, भूख कम लगती है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है। तो हम सभी मरीजों को मना करते हैं कि आप प्लीज़ दलिया नहीं खाइए, अपना नॉर्मल रूटीन जो रोटी सब्ज़ी आप खा रहे थे वही आपको खानी है। और फिर भी आपको लगता है कि नहीं हमें दलिया खिचड़ी खाना ही है, तो आप प्लेन दलिया ना बनाइए, उसके अंदर आप बहुत सारी सब्जियां ऐड कर लीजिए। सब्जी वाला जो दलिया या खिचड़ी बनती है वो आप खाइए ताकि उनमें मिनरल और विटामिन भी चले जाएं और एक कंप्लीट डाइट बन सके। क्योंकि सिर्फ अगर दलिया आप खा रहे हैं तो आपके शरीर में वीकनेस आ जाएगी और न्यूट्रिशन भी पूरा नहीं मिलेगा। इसलिए हम किसी को भी एडवाइज़ नहीं करते कि आप दलिया खाइए। अगर आपको खाना है तो खिचड़ी खा लीजिए, उसमें सब्जियां डालकर खाइए, और दलिया भी बनाते हैं तो उसमें खूब सारी सब्जियां डालकर फिर बनाइए। अगला कॉमन सवाल होता है कि क्या मैं सीढ़ियां उतर चढ़ सकती हूँ, या मैं नीचे बैठ सकती हूँ, या मैं इस तरीके से झुक सकती हूँ। इन सब सवालों का जवाब है हाँ। हाँ, आप सीढ़ियाँ उतर चढ़ सकती हैं, आप नीचे बैठ सकती हैं, आप झुक के कोई सामान उठा सकती हैं, और आप हल्का फुल्का अपने घर का नॉर्मल काम आप 2-3 दिन के बाद कर सकती है। आप चाय बना सकती हैं हल्का फुल्का, किचन में जो खड़े होके करने वाला काम है वो आराम से आपकी बॉडी अगर आपको अलाउ करती है तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार पेशेंट हमसे ये पूछते हैं कि मैं ड्राइविंग कर सकती हूँ क्या, या योगा कर सकती हूँ क्या। तो ड्राइविंग का ये है कि जब आपको लगता है कि आप अच्छा फील कर रहे हैं, आपको वीकनेस नहीं लग रही है, या आपको घबराहट और चक्कर नहीं आ रहे। किसी किसी पेशेंट को कई बार वीकनेस लगती है, घबराहट चक्कर लगता है 2-4 दिन तक, तो तब उस फेज में आप ड्राइविंग ना करें। उसके बाद जब आप कंफर्टेबल महसूस करें, जब आप आराम से घूम सकते हैं, उठ बैठ रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं लग रही है, तो आप फिर ड्राइविंग आप कर सकते हैं। सर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्राइविंग करने की मना ही नहीं है, बट आपकी फ़िज़िकल फिटनेस के अकॉर्डिंग आप ड्राइविंग कर सकते हैं। दूसरा पूछते हैं कि योगा कब कर सकते हैं। तो योगा 5-6 दिन के बाद या 7 दिन के बाद आप कर सकते हैं, बट कपालभाति योगा करने के लिए आपको 1-2 महीना वेट करना पड़ेगा। इसके अलावा आप लाइट एक्सरसाइजेज आप कर सकती हैं,
मॉर्निंग इवनिंग वॉक आप कर सकती हैं। इसके अलावा मतलब आपको जो हल्की एक्सरसाइजेज जो आप पहले से कर रही हो वो कर सकते हैं, नई एक्सरसाइजेस ऐड नहीं करना उस सर्जरी पीरियड के अंदर। अगला कॉमन सवाल होता है कि हस्बैंड से मिलने का कितना टाइम का परहेज़ रखना होता है। तो अगर आपके लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से हिस्टरेक्टमी हुई है यानी यूट्रस रिमूवल का ऑपरेशन हुआ है तो हम 2 से 3 महीने का परहेज़ बताते हैं, और अगर आपका हिस्टरेक्टमी नहीं हुआ है तो और भी कोई सर्जरी हुई है तब आपको आपकी बॉडी की कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं। उसमें एज सच बाकी किसी भी सर्जरी में ऐसा परहेज़ नहीं होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद मोटे तौर पर किसी तरीके का कोई परहेज़ नहीं होता है। आपका जो नॉर्मल रूटीन डाइट है वो आपको कंटिन्यू रखना होता है। आप रूटीन डेली शावर ले सकते हैं, आप नीचे उतर बैठ सकते हैं, सीढ़ियाँ उतर चढ़ सकते हैं, आप जो भी कुछ खाना चाहें वो सब कुछ आप खा सकते हैं। खट्टा मीठा, दही दूध, छाछ या नॉर्मल सब्जियाँ या नॉर्मल मसाले की वाला खाना वो सब आप खा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूज़न है लोगों के दिमाग में कि हमें खट्टा नहीं खाना, नमक नहीं लेना। नमक लेने से लोग कहते हैं कि टाँकों में खुजली चलेगी, तो टाँकों में खुजली चलना तो एक नॉर्मल अच्छा फीचर है। क्योंकि जब भी कोई भी घाव भरता है यानी कोई भी वुंड की हीलिंग होती है तो उसमें इंटरनली हिस्टामिन बनता है, ये केमिकल है जिससे कि ईचिंग होती है, तो ये एक अच्छा साइन है। और इसका नमक खाने से और नहीं खाने से कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए आप बिना नमक का अगर आप खाना खाते हैं तो हो सकता है आपको लोअर बीपी की समस्या हो जाए, आपका बीपी कम हो जाए और आपको चक्कर आने लग जाए। इसलिए आप प्रॉपर मात्रा में जितना नमक आप पहले खा रहे थे उतना ही खाना होता है। और सर्जरी के बाद आपका नॉर्मल डेली रूटीन का काम है जो आप कर सकते हैं, और अगर आपको वीकनेस लगती है तो एक्स्ट्रा डाइट में कुछ न्यूट्रिशनल चीज़ें आप एड ऑन कर सकते हैं। और खाना खाने के बाद आपको घूमना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका डाइजेशन प्रॉपर रहे, और खाने के बाद और दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी आपको ज़रूर पीना होता है, और दूध ज़रूर ले लीजिए, दूध एक कंप्लीट डाइट होती है। दही आप ज़रूर लीजिए ताकि आपका आंतों का डाइजेशन बिल्कुल ठीक रहे। तो बहुत सी कॉमन चीज़ें हैं, बहुत से कॉमन मिथ हैं जो सर्जरी के बाद लोग फॉलो करते हैं, और जो हम लोग बता रहे हैं, जो डॉक्टर आपको बता रहा है, आपको वो ही चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। क्योंकि इंडिया में राय देने वाले बहुत लोग आपको मिल जाएंगे, आपके अड़ोसी पड़ोसी बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं और सबके फॉलो करते करते आप ये भूल जाते हैं कि डॉक्टर ने आपको क्या बताया है। और जब आपको ये कन्फ्यूज़न हो कि डॉक्टर ने आपको क्या बताया, तो आप इस वीडियो को आप तुरंत देख लीजिए, उसमें आप सुन लीजिए कि आपके डॉक्टर ने आपको क्या समझाया था। तो ये हमेशा ये वीडियो आपके साथ रहेगा तो आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, क्योंकि हम क्लियरली बता रहे हैं कि एज सच लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद किसी तरीके का कोई परहेज़ नहीं होता है। आपका नहाना धोना, खाना पीना, घूमना फिरना, सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना, एवरीथिंग इज़ अलाउड। सो आप दिमाग में किसी प्रकार का टेंशन ना रखिए, पेट भर के खाना खाइए, आराम से घूमिए फिरिए, डेली शावर लीजिए, और सर्जरी का पोस्ट सर्जरी जो आपका पीरियड है उसको एन्जॉय कीजिए। तो अब आपको लगा होगा कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इज़ अ मैजिक। येस, इट इज़ अ मैजिक, क्योंकि आपको एक दिन के अंदर आपके अस्पताल से छुट्टी हो जाती है, आपको किसी तरीके का कोई परहेज़ नहीं है, और बीमारी पूरी आपके शरीर से निकल जाती है, और आपको शरीर के बाद लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता है। तो इससे ज़्यादा तो आई डोंट थिंक कि किसी इंसान को और कोई ख्वाहिश होगी कि मेरी बीमारी निकल जाए और दर्द ना हो और अस्पताल में रुकना भी ना पड़े और परहेज़ भी ना हो। तो इट इज़ द बेस्ट सर्जरी, बेस्ट मेथड ऑफ सर्जरी यू शुड ऑलवेज अडॉप्ट फॉर सर्जरी जो कि लेप्रोस्कोपिक हो, क्योंकि ओपन सर्जरी के अपने बहुत सारे नुकसान हैं, तो उनसे परहेज़ हम नहीं कर पाते क्योंकि उसमें बहुत सारे परहेज़ हमें रखने पड़ते हैं। जैसे 3 महीने का वज़न उठाने का परहेज़ रहता है, टाँकों का परहेज़ रखना पड़ता है, गीला होने का परहेज़ रखना पड़ता है, खाना खाने का भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, तो बहुत सारे परहेज़ उसमें आ जाते हैं। लेकिन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद किसी तरीके का कोई परहेज़ नहीं है। तो अब आपको ये समझ में आ गया इस वीडियो को देखने के बाद कि आपको क्या परहेज़ नहीं करना है। तो अगर आपने आज यहाँ पे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कराई है तो इस वीडियो को आप हमेशा अपने साथ रखिए ताकि आपको ये हमेशा रिमाइंड रहे कि आपको क्या परहेज़ रखना है और क्या नहीं रखना। एज सच कोई परहेज़ नहीं है, बट जब भी कन्फ्यूज़न हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। और जिन भी आपके दोस्तों की या फैमिली या नियर रिलेटिव्स की सर्जरी हुई है तो ये वीडियो आप उन्हें फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि वो भी टेंशन फ्री होकर अपनी सर्जरी के पोस्ट सर्जरी पीरियड को एंजॉय कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस हियरिंग।